गया बेटा? आज इतनी जल्दी आ गई, छुट्टी है क्या? नहीं मम्मा, वो क्या है ना, आज मैं स्कूल ही नहीं गई। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? हाँ बेटा, सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी। बुखार तो नहीं है? वो मम्मा क्या है ना, मुझे पी लीजिए। अरे क्या हुआ, मुझे भी कुछ बताएगी कि माँ बेटी ही खुसुर फुसुर कर लेगी। माँ जी, वो अनु को ना पहली बार मासिक धर्म आया है। राम राम, छोरी बड़ी हो गई है। अच्छा सुन, मैंने अपनी पुरानी वाली साड़ी ना आज सुबह ही अलमीरा में मोड़ के रखा है, तू उसको कमरे में ले जा और अच्छी तरह से समझा दे और पुरानी साड़ी दे देना, ठीक है? साड़ी क्यों माँ जी, मैं इसके पापा को फोन कर देती हूँ, वो पैड लेके आ जाएंगे ना। अरे पैड वैड का होता है, तूने कभी पैड इस्तेमाल किया? हमने किया, हमारी माँ ने किया, हमारी दादी ने किया, जो सदियों से चला आ रहा है ना वही करना है। तू अपना यहाँ नया नियम मत चला, समझे? लेके जा अंदर। ठीक। दादी क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस उसका थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, कुछ खाई होगी उल्टा सीधा। अच्छा होगा मैं उनको देख के आता हूँ अभी जैसे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बेटा, तू इधर ही बैठ, मैं देख के आती हूँ। घबराने का नहीं बेटा, नहीं। सुनो, मैं तुमको साफ कपड़ा देती हूँ, इसको इस्तेमाल कर लो, तब तक पापा आ जाएंगे शाम को ना, तो मैं पैड मंगाऊंगी तुम्हारे लिए। और कैसे इस्तेमाल करना है ये तो तुमने स्कूल में पढ़ा ही है, ठीक है? जाओ। कपड़ा बदल दिया। बहू समझा दिया ना उसको अच्छे से? जी माँ जी। अच्छा सुन, अभी तू बाहर आ जा और नहा धो ले, और ना बाहर भी सब साफ सफाई कर दे जहाँ पे वो खड़ी थी, समझी? जी माँ जी। और अनु बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तुम बहुत डरी हुई हो, पहली बार हुआ है ना इसके लिए। अच्छा सुन, 5 दिन तक ना तुम्हें इसी कमरे में रहना है, अपना बिस्तर ना नीचे जमीन पे लगा ले, वहीं पे सोना है, घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? जी दादी जी। और सुन बहू, तू आ जा, जरा साफ सफाई कर ले, पोछा ओछा लगा दे। बेटा तू डर मत, मैं हूं ना इधर, मैं किचन में ही हूँ, कोई भी जरूरत लगे ना मुझे आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं साथ रहना हूँ, मुझे मत छोड़ के जाओ। बेटा दादी अभी बहुत चिल्लाएंगी मुझे, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं किचन में ही हूँ ना, एक आवाज लगाएगी मैं तुरंत आ जाऊंगी, ठीक है? तू इधर आराम कर लेट के, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चाय हुई कि नहीं? लाई बाजी। पता नहीं कितना टाइम लगता है एक चाय बनाने में। ये लीजिए माजी चाय। अच्छा सुन, अड़ोस पड़ोस में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन माजी इसमें इतना छुपाने की क्या बात है? छुपाने की नहीं तो क्या फैलाने की बात है? ये सब बातें किसी के सामने की जाती हैं? तुझे थोड़ा सा भी शर्म है कि नहीं? जी माँ जी। माँ जी आप चाय ले लीजिए, मैं अनु को चाय देके आती हूँ। ठीक है। शहर में आके पूरी मॉडर्न बन गई है, अपना संस्कार ही भूलती जा रही है। ये ले बेटा चाय। बेटा ये गरम गरम चाय पी लेना,
तुझे दर्द से आराम मिलेगा। ठीक है मम्मा। तुझे कहा था मैंने ना चौखट पे चाय रख देना, तुझे अंदर जाने की क्या जरूरत थी? बहू वो तो बच्ची है, तुझे तो समझ होनी चाहिए ना। हे भगवान, मैंने कहा था ना कमरे में 5 दिन किसी चीज को हाथ मत लगाना, सब अशुद्ध कर दिया। लेकिन दादी मेरा 1 हफ्ते में एग्जाम है, उसके लिए पढ़ रही थी। तुझे अभी 5 दिन तक कोई स्कूल नहीं जाना, कोई एग्जाम फिग्जाम नहीं देना, समझी? चल सब बंद करके रख। ठीक है दादी जी। सारी चीजें अशुद्ध कर दी। राम राम। समझी? हे भगवान, इस लड़की ने तो पूरी रसोई अपवित्र कर दी, अब तो पूरा साफ करवाना पड़ेगा। बहू कहाँ मर गई है? तब तक मैं तुम्हारा खाना निकाल देती हूँ, ठीक है? मम्मा, दीदी आज हमारे साथ नहीं खाएगी? मानो तुम आजकल बहुत ज्यादा सवाल करने लगे। बोल रही हूँ ना, जो देके आओ तब तक मैं खाना निकाल देती हूँ। अच्छा मम्मी, दीदी की तबीयत बहुत खराब है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। हाँ ठीक है, तुम देके आओ। अच्छा ठीक है मम्मी, देके आओ। खाना नीचे ही रख दो। क्यों दीदी? मेरे को बुखार है ना, अगर तुम आओगे तुम्हें भी बुखार हो जाएगा इसलिए। अच्छा ठीक है दीदी, ये लो आप खाना खा लो और पूरी आप फिनिश कर देना, क्योंकि मम्मी ने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। हाँ ठीक है मानव। अंदर तो आने दो। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ भाई। ओ भाई जल्दी देखो कौन सी चॉकलेट लाए हो। अरे अरे भाई रुको ना। और माँ क्या हाल है? ठीक हूँ बेटा। खाना वाना खाई? अरे पापा सुनो, कौन सी चॉकलेट लाए? जल्दी। अरे बेटा सुनो, मैं आ रहा था ना, दुकान तो दिखी लेकिन मैं चॉकलेट लेने ही भूल गया। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। ये चॉकलेट। अरे सुनो, एक तुम्हारा है, एक दीदी को दे देना। दीदी कहाँ है, पढ़ाई कर रही है क्या? नहीं नहीं, वो उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए चॉकलेट नहीं खाई। दोनों क्या अनु की तबीयत खराब है? अरे मुझे किसी ने बताया नहीं। आशा, अरे क्या बताती, बरसात का मौसम है, सावन का महीना है,
सबको सर्दी बुखार हो रहा है, उसको भी हो गया है, इसमें इतना क्या घबराने की बात है? अरे नहीं, मैं देखता हूँ। अरे सुन तो, अरे आशा क्या हुआ अनु को? अरे वो अनु ना, क्या करती हूँ, मुझे बताना तो चाहिए था फोन करके। अच्छा मैं देखता हूँ। अरे बेटा तुम नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो, चल उठो उठो, ऊपर बैठो ऊपर बैठो। मैं ठीक हूँ पापा। बेटा मुझे पता है आपको क्या हुआ है, मम्मी ने मुझे सब बता दिया है, इसमें घबराने कोई बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल है, सब औरतों को होता है, इसे पीरियड कहते हैं। हे भगवान, तुझे कौन बोला अनु के बाजू में बैठने को? और अनु चल नीचे उठ के बैठ। नहीं बैठो बेटा, बैठो बैठो। अरे माँ मुझे पता है आपके जमाने में पीरियड को अलग नजरों से देखा जाता था, इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं करता था। सही तो है ये सब ना, औरतों की बातें औरतों में ही रहनी चाहिए, ये सब बातें मर्दों के सामने नहीं की जाती। अरे माँ आप एक औरत हो के कैसी बात कर रही हैं, ये तो नेचुरल है, ये तो सब औरत को होता है, इसके बारे में तो हमें उल्टा सबके सामने बात करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आपको तो पता है ना ये 5 दिन कितना मुश्किलों भरा होता है, ये 5 दिन जब हमें इनकी केयर करना चाहिए, इनका देखभाल करना चाहिए, हम इनको अकेले कमरे में छोड़ देते हैं, ये सही है क्या माँ? सही कहा बेटा, मेरी ही गलती है, अब क्या करूँ, मैं यही देखते आई हूँ सदियों से। हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता था कि औरतों की प्रॉब्लम है, औरतें ही इसको देखें, ये सब बातें मर्दों के सामने नहीं की जाती। लेकिन बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद ना मैं खुद इसके बारे में सबके सामने खुल के बोलूँगी और सबको बताऊँगी। माफ़ कर दे बेटा मुझे अनु। अच्छा चलो बेटा अभी हम सब मिल के खाना खाते हैं। दीदी मैंने सब सुन लिया, पापा आप टेंशन मत लो, दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्योंकि जब मैं बड़ा रहूंगा तो मेरे को भी पीरियड आएंगे ना। क्या इधर देख रहे, इधर बैठ बैठ। अरे वो एक और चाहिए। हाँ चलो। अरे अनु की तबीयत खराब किसी ने मुझे बताया? हाँ सुनो क्या बोलते, एक बार आता तो फिर